महाराष्ट्र में 30% बिजली की खपत राज्य के 45 लाख किसानों के लिए होती है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 50% बिजली रात्रि में उपलब्ध कराई जाती है। इस वजह से कृषक भाइयों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि सिंचन के लिए 100% विद्युत आपूर्ति दिन में करने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की। राज्य में 1 लाख किसान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में इस योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के मानस से योजना के स्वरूप एवं योजना क्रियान्वयन के तत्वों में आमूलचूल परिवर्तन कर MSKVY 2.0 24 अप्रैल 2023 को लागू की गई। इस योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 7000 मेगावाट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। राज्य के 40% कृषि फीडर सौर ऊर्जा पर चलेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में 30,000 करोड़ का निजी निवेश होगा। किसानों के लिए देश में पहली बार स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र में डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल जनरेशन की ये पहल है। सौर ऊर्जा के लिए शासकीय जमीन का चयन आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके किया गया है। प्रत्येक सब स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित करने हेतु पीएम गतिशक्ति पोर्टल, राजस्व विभाग का महाभुलेख पोर्टल एवं महावितरण कंपनी के लैंड बैंक पोर्टल के इंटीग्रेशन के माध्यम से किया गया है। भविष्य में किसानों को पूर्ण रूप से 17,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी देने का संकल्प है। इस योजना को प्रधानमंत्री कुसुम योजना सी के तहत 7,000 करोड़ मदद मिलेगी। योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तथा सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 1,25,000 रुपए प्रति हेक्टर आमदनी भी होगी। सालाना 13,000 करोड़ की क्रॉस सब्सिडी हटने से उद्योगों को बिजली दर में राहत मिलेगी। राज्य सरकार की सालाना 2,000 करोड़ सब्सिडी बचेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रोजगार निर्माण होंगे। महावितरण की वितरण हानि में कटौती होकर वित्तीय सुधार होगा। इस योजना को भारत सरकार ने स्वीकारा है तथा अन्य राज्यों को अनुकरण करने की सूचना निर्गमित की है। किसानों को ग्रीन एनर्जी देने से देश के नेट जीरो संकल्प को पूर्ण करने में योगदान मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय उपमुख्यमंत्री जी के संकल्प से बनी योजना सबका विकास करने वाली है। योजना के तहत आज के इस शुभ अवसर पर लगभग 9,000 मेगावाट विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मित प्रकल्प के कार्यादेश सफल परियोजना विकासकर्ताओं को दिए जा रहे हैं।